नमस्कार, मैं हूं गीता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी मगर शायद अस्पताल की लापरवाही की वजह से मारा गया, और आज उसका पिता महीनों के बाद भी इंसाफ के लिए गुहार लगाता घूम रहा है, कभी इस दर का तो कभी उस दर। और प्रशासन का रवैया ऐसा कि उसे कोई जानकारी तक भी नहीं दी जा रही है। ये पिता है पार्थ के, मोहित जी मेरे साथ हैं। सर, फिलहाल हाल फिलहाल में मैंने बात सुनी थी कि विसरा रिपोर्ट जो है पार्ट की आ गई है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? हमने सिर्फ मैडम न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था। 2 अप्रैल को मॉर्निंग में हमारे पास किसी का मैसेज आया जी। भी पेपर में, प्रिंट पेपर में न्यूज़ आई हुई है भी, क्या नाम है, विसरा रिपोर्ट आ गई। तब हमें सिर्फ एक प्रिंट पेपर की न्यूज़ पढ़कर ही पता लगा कि विसरा रिपोर्ट आ गई है। ना तो हमें कोई CMO और PM ऑफिस से कोई फ़ोन, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, कहीं से हमें कोई कॉल नहीं। सिर्फ एक ये न्यूज़ पेपर में जरूर पढ़ी है, विसरा रिपोर्ट आ गई। ठीक है, कमेटी को भेजना था आगे, क्या उस बात की जानकारी आपको मिली कि कमेटी को भेज दी गई है या नहीं? मैडम, जब हमें इस बात की जानकारी नहीं दी है इन्होंने, किसी ने भी विसरा रिपोर्ट आपकी आ गई है या नहीं आई है, कमेटी में देंगे, कब देंगे, नहीं देंगे, उसकी रिपोर्ट कब तैयार होगी, तो कोई हमें किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कहीं से कोई स्टीक रवैया कहीं से नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए कि अगर रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं दी गई है तो क्या पहले इन मामलों में आपको जानकारी दी गई है? मीटिंग्स लगातार आपकी होती हैं, एक बार अग्रवा से भी जो है यहाँ से रिपोर्ट आनी थी, तो क्या रहा? अग्रोहा की रिपोर्ट आ गई थी, वो हमें नेग्लिजेंसी बोर्ड में जब मीटिंग थी तब हमें बताया गया था, बट वो हमें उसका कोई पेपर नहीं दिया गया, कोई प्रिंट नहीं दिया गया, सिर्फ एक बताया रिपोर्ट आई। अब वो डॉक्टरों को ही पता है उसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या नहीं लिखा, या वो कब चेंज करेंगे, क्या करना है, कितना समय लगा रहे हैं, अब सौदेबाजी करने लग रहे हैं, क्या करेंगे नेग्लिजेंसी बोर्ड वाले। ये सबसे ज़्यादा ये IMA का जो मेन जो प्रेसिडेंट बनता है, जो मैं इसको सीधा तौर पे आपके चैनल के माध्यम IMA का दलाल ही कहूँगा, IMA का जो दलाल है वो अभी सेटिंग करेगा, तब हमें कोई न्यूज़ पता लगेगी भी कहाँ से उसकी सेटिंग हो गई है, तब हमें रिपोर्ट का पता लगेगा। ठीक है, क्या ये सौदेबाजी का ऑफर कभी आपके पास नहीं आया कि आप चुप बैठ जाइए, कभी आपके तरफ ये प्रेशर डाला गया क्या? 2-3 बार हमें धमकियां दी गई या किसी के थ्रू कहा गया, पर हम डरने वाले कि जब हमारी जान ही निकल गई, हमने हमारा बच्चा ही खो दिया, तो अब हमारे पास रह ही क्या गया? बच्चा ही जब हमने अपने हाथों से खो दिया, तो आदमी की, जिस आदमी का बच्चा चला जाए वो अपने हाथों से खेलते हुए बच्चे को 5 मिनट के अंदर खो दे, फिर उसको किस चीज़ का डर है, जब वो सब कुछ जान ही उसकी निकल चुकी है, अब मुझसे क्या डरना, अब तो हम खुद ही कंकाल की तरह चल रहे हैं। ठीक है, मरते हैं, उठते हैं, रोज रात को इसी उम्मीद में सो जाते हैं भी, ठीक है कल कुछ न्याय मिलेगा, सुबह उठते हैं वही जीरो, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हो जाते हैं जी, सब कुछ नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं। सुनने में खबरें ये भी आई थी कि मीटिंग्स जब भी होती हैं पार्थ मामले पर, तो उस बात की भी जानकारी आपको नहीं दी जाती है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है या मीटिंग कब रखी गई है अगली, तो पूरी जानकारी आपको नहीं दी जाती? जब नेग्लिजेंसी बोर्ड की स्टार्टिंग की 2 मीटिंग हुई है तो हमें पता था, तीसरी मीटिंग जब होनी थी तो जिस दिन थी उस दिन हम मॉर्निंग में, मैंने किसी को, मुझे पता लग रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है किसी थर्ड पर्सन से, बट जब मैंने वहाँ सिविल हॉस्पिटल में PM ऑफिस में फ़ोन किया, बोले जी आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हुई, बोले जी बाहर का कोई स्टाफ है। आज उन बातों को 2 महीने होने वाले हैं, कोई दोबारा मीटिंग नहीं हुई, पता नहीं शायद उन्हें इस बात का डर लग रहा है, जो हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें शायद वो डॉक्टर फंस रहे हैं, वो जो IMA का पूरा स्टाफ था वो उनको बचाने में लगा हुआ है, तो सब ये आपस में इनका झोल झमेटा चल रहा है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिस अस्पताल पर आपने आरोप लगाए थे वो तो अब दहाड़े से शुरू हो गया है, धड़ल्ले से चल रहा है। मैडम, मैं आपको अभी बताया ना, जो IMA का दलाल है डॉक्टर नलवा, IMA का दलाल ही कहेंगे, IMA का प्रेसिडेंट कहना हमारे बच्चे की, मतलब हमारे बच्चे को सुकून नहीं मिलेगा अगर हम उसे IMA का दलाल कहेंगे, तो ही उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वो सौदेबाजी करवा रहा है और वो मान हत्यारा मान उसको पैसे दे रहा है और वो कर रहे हैं, हॉस्पिटल खुल गया है, आज वो आराम से बैठा है। ठीक है, अब ये लोगों को जागरूक होना है, क्या वो उस हॉस्पिटल में अभी भी अपनी जान जोखिम में, हॉस्पिटल में जाकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहेंगे या नहीं। हमने तो फेसबुक पर एक मुहिम भी चला रखी है, बायकॉट मान हॉस्पिटल, बायकॉट हत्यारा मान डॉक्टर, हमने मुहिम भी चला और लोग उसको अच्छे से अच्छा शेयर भी कर रहे हैं, लोगों में अच्छी जागरूकता है इस चीज़ की, पर कुछ एक अंधभक्त कह लो जो हमारे इन मेयर और ये MLA हमारा है उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी भी
वो उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं, वो कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा। वैसे एमएलए मेयर और एमएलए साहब का जिक्र आपने छेड़ा है, आपके घर भी आए थे बकायदा, एक दो बार मैंने भी देखे थे, सिर्फ आश्वासन देने के लिए आए या कुछ मदद भी? सिर्फ एक फोटो खिंचवाने आए थे और खाना पूर्ति पूरी करने आए थे, वो करके वो चले गए। उसके बाद कभी कहाँ मर गए फिर, वो दोबारा क्यों नहीं आए? अगर वो हमारी तरीके से हेल्प ही करना चाह रहे थे तो क्या हेल्प हुई नहीं उनसे? हमें हमारे बच्चे के लिए न्याय लेना, हम ही दर बदर भटक रहे हैं, वो कहाँ है आज तक? अगर वो कहते हैं हम उन हमारे घर आए थे तो हेल्प ही करना चाहते, तो हेल्प कहाँ गई फिर उनकी? क्यों नहीं कर पा रहे? दोबारा कहाँ मर गए? या नोटों के बंडल पहुंच चुके हैं, सब जगह सेटिंग होती जा रही है। क्या उम्मीद है न्याय फिर मिल भी पाएगा या नहीं? देखो मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, न्याय तो लेकर ही रहेंगे। लेकिन कब तक, कितना लंबी जो है ये लड़ाई? ये तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए, उस बच्चे की, मासूम से बच्चे की तरफ देखें, क्या ये भी एक पिता नहीं है? जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, ये भी एक माँ बाप हैं बच्चों के, इनके भी बच्चे हैं, ये भी इनको भी देखना चाहिए। किसी बच्चे की जब मौत हुई है तो उस परिवार पर क्या बीती होगी, क्या उस बच्चे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? हम और क्या मांग रहे हैं, हम यही तो मांग रहे हैं उस बच्चे को न्याय मिले, हमें और क्या चाहिए? तो ये थे मोहित जी, पार्थ के पिता, जो कि फिलहाल अभी तक इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन इंसाफ दूर दूर तक फिलहाल तो नजर आ नहीं रहा है। आगे क्या रहता है उसके अपडेट्स तो मैं आपको लगातार देती ही रहूंगी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार मोहित जी, आपका भी धन्यवाद।